गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 9 की गणित में हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे और इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए हम लोगों की चल रही थी प्रश्नावली 1.3। आगे बढ़ाते हुए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है। प्रश्न संख्या 7, P बटे Q के रूप में विभिन्न परिमेय संख्याएं लीजिए। विभिन्न परिमेय संख्याओं के उदाहरण, परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेने हैं। उदाहरण लीजिए जहां Q 0 नहीं होना चाहिए और P व Q पूर्णांक है। ये दोनों शर्तें हैं, ये तीनों शर्तें हैं अपनी। पहली P बटा Q के रूप में हो तो परिमेय संख्या होगी, Q 0 नहीं होनी चाहिए और P और Q दोनों पूर्णांक है। जिनका इसमें एक एडिशनल शर्त दी है, पी व क्यू पूर्णांक हो और इनका किसका पी और क्यू का और इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। देखो, अंश और हर में कोई संख्या लिखी और उसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब होता है सह अभाज्य होना। सह अभाज्य होना यानी कि P और Q में ऐसी संख्याएं रहेंगी जो एक ही संख्या से नहीं कटेगी। अंश और हर में ऐसी संख्याएं होंगी जिन्हें हम एक ही किसी एक संख्या से नहीं काट सकते, इसको बोलते हैं सह अभाज्य। और अभाज्य तो है और उनमें आपस में भी भाग नहीं जाना चाहिए। आपको इन संख्याओं के दशमलव प्रसार के की व्याख्या करनी है, इनका दशमलव प्रसार बताना है। बताइए कैसा होगा और क्यू की विशेषता, क्यू के आपको गुण बताने। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, आपका दसवीं में भी काम आएगा सवाल, इसलिए इस सवाल को बहुत बढ़िया ढंग से समझ लीजिए। हल, आप पी बटे क्यू के रूप में कोई भी संख्या, मान लो मैंने ली 1/2, एक में 2 का भाग दिया 0.5, कैसी संख्या है ये? शांत दशमलव। कैसी है? शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपने एक में 3 का भाग दिया 0.333... इसको हम कह सकते हैं 0.3 बार। कैसी संख्या है ये? अशांत आवर्ति, अशांत आवर्ति। आपने ली 2/5, इसका आंसर आएगा 0.4। ये कैसी है? शांत। कैसी संख्या है ये? शांत। आपने ली, मान लीजिए 7/
30 सात बटा 30 और सात बटा 30 की जगह पहले आप लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 20 सात बटा 20 क्या करेंगे इसको, पॉइंट 3 5 पॉइंट 3 5 दे दीजिए, सात में 20 का भाग दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है, पॉइंट लगाया 0 आया, 20 किया 60, 10 बचा, फिर पॉइंट के कारण एक शून्य आएगी, 20 50 कैसी संख्या हुई है, 7 2/3 0.666 यानी कि 0.6 बार कैसी हुई है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। एक आध उदाहरण ले लो आप, थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सवाल मैं बात को बार बार बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं मैं ये सवाल कि दसवीं में ये इस तरह के सवाल बहुत काम आए, इसलिए अच्छे ढंग से समझे। मान लीजिए मैंने लिया 1/7, सात एक में सात का भाग दो, 7.017 या 3 0 4 28 2 0 7 14 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 5 0 7 7 49 1 वापस भाज्य की पुनरावृत्ति होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/7 बराबर 0.142857। अब अगर बाकी क्रिया आगे जारी रखता हूं तो यही आएगा दोबारा 142857 .. तो इसको हम लिखेंगे 0.142857, ये हो गया अशांत आवर्ती। कैसी हुई, अशांत आवर्ती। अब इनको ध्यान से देखिए और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में उत्तर दो। तो देखिए सबसे पहला उत्तर, इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, यह हुआ उत्तर। इस प्रकार की परिमेय संख्याओं का कौन से प्रकार की, जो हमें प्रश्न में दी गई है, दशमलव प्रसार या तो शांत होगा और या अशांत आवर्ती, बस ये दो प्रकार का होगा। आई बात समझ में, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि गुण, इसका दूसरा भाग हो गया, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों को बढ़िया ढंग से समझाने के लिए हाइलाइटर या अलग अलग इंक का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें क्या है इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स रहेंगे वो मैं आपको अंडरलाइन करूंगा या इस तरह से अलग इंक से, क्योंकि गुण, तो बढ़िया समझ में आएगा, अच्छे ढंग से बढ़िया ढंग से तैयारी करते हुए चलो, एक एक पॉइंट का जवाब देना है, 100 में से 100 आने के लिए आपको परफेक्ट होना जरूरी है। तो क्योंकि गुण ऐसे स्टूडेंट जो कि 12th में साइंस मैथ ली थी जिन्होंने, और
सौभाग्यवश हमारे स्टूडेंट्स रहे 10वीं तक, दो बच्चों के 100 में से 100 गणित में आए, ये उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई हम लोगों की तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि अगुण क्या क्या हुए, शांत के लिए जो भी शांत प्रकार की संख्याएं हैं, देखिए ये शांत है तो क्यू में क्या आया, 2 या 2 की घात, ये शांत है क्यू में क्या आया, 5 या 5 की घात, ये शांत है अगर क्यू के अभाज्य गुणनखंड किए जाए तो 20 क्यू के गुण हो गए, तो 20 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2 × 5, यानी कि 2 की घात 2 × 5, ये 20 के अभाज्य गुणनखंड है। तो क्यू की विशेषता क्या हुई, शांत दशमलव वाली, शांत दशमलव प्रसार वाली जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं के क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की घात के रूप में होंगे या 5 की घात के रूप में, जैसे ये 2 है इसको हम क्या बोलेंगे, 2 की घात 1, या 2 × 5 की घातें, जिसे हम लिखते हैं 2 की घात n × 5 की घात n, m व n ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो आपके पास शांत दशमलव वाले जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनमें हर के क्या प्रॉपर्टी मिली, हर का क्या गुण मिला कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात के रूप में होंगे या 5 की घात के रूप में या 2 × 5 की घात के रूप में। आगे की क्लास में इसको केवल इस रूप में ही डिफाइन किया जाएगा, क्योंकि अगर खाली 2 की घात के रूप में है तो 5 की घात को 0 मान लिया जाता है, और किसी भी घात का 0 होना 1, यानी कि हम 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं, 2 की घात 1, 5 की घात 0, यह आपको आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल तो आप ये याद रख लीजिए कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m, 5 की घात n, या केवल 2 की घात या केवल 5 की घात के रूप में मिले। अशांत आवृत्ति होने पर अशांत आवृत्ति के होने पर क्यू के अभाज्य गुणनखंड में दो गुणा पांच के अलावा, इसको 2 × 5 की जगह 2 एवं 5, 2 एवं 5 के अलावा अन्य संख्या भी अवश्य होगी। दो एवं पांच की घात के अलावा अन्य संख्या भी अवश्य रहेगी, जैसे यहां पर 3 है, 2 की घात 0, 5 की घात 0, 3, या आप कह सकते हो 2 या 5 के अलावा अन्य संख्या 7 है, ये शांत है, यहां पर 3 है, यहां पर 7 है, 2 और 5 के अलावा संख्या जहां भी रहेंगी वहां पर आपको अशांत आवृत्ति मिलेगी। तो पी बटा क्यू के रूप में आप कितने भी उदाहरण दो, सभी संख्याएं कितने भी उदाहरण लो,
हजारों नोच है, या तो आपको शांत दशमलव मिलेगी या अशांत दशमलव। शांत दशमलव में अभाज्य गुणनखंड हर के 2 की घात m, 5 की घात n के रूप के होंगे, जिसमें m और n माइनस के नहीं होने चाहिए घाते। और जो अशांत आवृत्ति है उसमें आपको 2 की घात m, 5 की घात n के अलावा, यानी कि 2 की और 5 की घात के अलावा अन्य संख्या भी जरूर मिलेगी। ठीक है, क्लियर? तो क्या समझ में आया कि परिमेय संख्या p बटे q के अगर हम दशमलव प्रसार देखें तो 2 प्रकार के मिलेंगे, शांत या अशांत आवृत्ति। और अशांत आवृत्ति होने की दशा में ये शर्त है और शांत की दशा में ये शर्त है। अब एक प्रश्न ये है, सवाल नंबर 8, कि 5/7 एवं 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखो। देखिए 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्या भी होती है और अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। 5/7, 5/7 का भाग दो, पॉइंट लगाया 0, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7, बस इतना ही कर लो, आगे डॉट डॉट डॉट। तो यानी कि 5/7 को मैं लिख सकता हूं 0.71। आगे और संख्याएं आएंगी जो निकालना जरूरी नहीं है क्योंकि अनंत प्रसार तक जाएगा। 9/11, पॉइंट लगाया 0, 11 × 8 = 88, 2 बचा 0 आया 1, 11 × 1 = 11। अब इसको भी हम 9/11 को लिख सकते हैं 0.81 डॉट डॉट। ध्यान रहे इस प्रश्न के उत्तर, मेरा उत्तर और किताब का उत्तर अलग अलग हो सकता है क्योंकि अनंत संख्याएं हैं, उनमें से केवल 3 निकालनी है। आप अलग निकालेंगे, मैं अलग निकालूंगा, कोई और अलग निकालेगा। आपको केवल कंसेप्ट समझना है, उसके बाद आंसर की चिंता नहीं करें। तो देखिए 0.71 और 0.81, ये 2 संख्याएं ध्यान रखो आप, इनके बीच में आपको अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो मैं बताता हूं, जैसे 0.72 71 से बड़ी है, 81 से छोटी है। 0.72 00 72 000 72 40 करते जाओ। आपको क्या करना है, क्रम डिस्टर्ब करना है। 72 उसी क्रम में नहीं आना चाहिए, 0 की जगह आप कोई और संख्या लगा सकते हो। जैसे अब मान लीजिए मैं लेता हूं, आप तो इसको मोटा मोटा 71 पढ़ो, इसको 81, इसके बीच में लेना है तो 0.76। अब जरूरी नहीं मैं 0 से डिस्टर्ब करूं, 8 7 6 8 8 7 6 8 7 6 4 8। आपको क्रम इस तरह से डिसाइड करना है कि उसी क्रम में नहीं आए। 0.795 7955 7955 5 5 5 हो गए। इसी तरह से 0.77177111 77111 77111 पर मेरी सलाह आपको यह है कि आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए आप इस तरह से डिस्टर्ब करें क्रम को, किसी भी अंक की जगह 0 रखें, बढ़िया रहेगा, प्रैक्टिस बढ़िया बढ़िया रहेगी, अनंत संख्याएं आ सकती है। अब कहेंगे सर इसके बीच में तो केवल 8-9 संख्याएं हैं, क्यों मैं इसको 719 ये 720 721 7211 723 724 725 कितनी भी संख्याएं लिख सकता हूं। आपको क्रम इकाई दहाई सैकड़ा हजार कहीं भी ला करके डिस्टर्ब करना है। इस तरह से ये 4 संख्याएं आपको मिल जाएंगी। इसमें किताब में उत्तर मिलना जरूरी नहीं है। और आज का अंतिम सवाल, कुछ एक संख्याएं दी हुई है, आपको देखते ही बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय।
उत्तर टीप के नहीं लिखना किताब में से, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये परिमेय है तो क्यों है और अपरिमेय है तो क्यों है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 और 8 का अंतिम सवाल, अंडर रूट 23 आप बताइए ये परिमेय है या अपरिमेय। मैंने क्या बोला, वर्गमूल में पूर्ण वर्ग संख्या है, काय का निशान है ये वर्गमूल का, संख्या कैसी है अभाज्य, तो ये कैसी होगी, आपको आंसर देना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय, तो ये हो गया अपरिमेय। 23 पूर्ण वर्ग है क्या, बोलो 23 पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, एक का वर्ग एक, दो का चार, तृतीय नौ, चार चौक 16, पचप 25, छह छह 36, सात सात 49, साठ आठ 64, इस तरह से ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो एक, चार, नौ, 16, 25, 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये वर्गमूल में अपरिमेय मानी जाएगी। अब देखिए एक सवाल है दूसरा, इसका आंसर किताब में गलत दे रखा है, 7.478478... इन तीन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इन तीन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ज्यादा बढ़िया तो ये होता है कि ये ऐसा भी लिख देता 478 बार, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय, लेकिन इसका किताब में उत्तर दे रखा है अपरिमेय जो कि गलत है। कैसी संख्या है ये, परिमेय, पिछले चार पांच एडिशन से ये गलत छपा हुआ रहा। तीसरा, अंडर रूट 225, बताइए 225 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है नहीं, आपको 30 तक के पूर्ण वर्ग याद करने हैं और 15 तक के घन, 30 तक के पूर्ण वर्ग याद करने, कैसे याद करते हैं, एक एकम एक, दो दुनी चार, तीन तीन नौ, चार चौक 16, पचप 25, छह छह 36, सात सात 49, साठ आठ 64, नौ नाम 81, दस 250, 11 11, 121, 12 12, 144, 13 13, 169, 14 14, 196, 15 15, 225, 16 16, इस तरह से आपको जो 256, इस तरह से आपको पूरा 30 तक याद करना है, तो 225 15 का वर्ग है, रट करके नहीं करो तो आपको 225 के अभाज्य गुणनखंड करो, क्या है ये अभाज्य गुणनखंड, 3 7 21, फिर 3 का भाग दो 25, 5 5 5 1, ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, पूर्ण वर्ग संख्या है 15 का, इसलिए ये परिमेय, कैसी है ये, परिमेय, और ये भी परिमेय। चौथा, ये थोड़ा क्रम डिस्टर्ब हो गया है, ये पांचवा सवाल था, सॉरी ये है पांचवा, और सवाल नंबर चौथा ये था, थोड़ा सा क्रम गड़बड़ हो गया है, फर्स्ट 4 अंडर रूट 225 ये सेकंड था, और सवाल नंबर पांचवा, अब देखिए 1.01001000100001000001... होना जरूरी है, क्रम डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए आंख बंद करो और सीधे लिख दो अपरिमेय, सोचने की जरूरत नहीं है। और अंतिम सवाल, और इसी के साथ कक्षा का अंतिम सवाल आज की का, 0.3796 मान लीजिए, ये सवाल है कैसी संख्या है, कोई डॉट 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 नहीं है, शांत है, शांत है, तो शांत होते ही परिमेय, परिमेय और अपरिमेय का विश्लेषण हमको अशांत आवर्ती में करना है कि किस प्रकार की है बात, तो आज का इसी के साथ अपनी आज की ये प्रश्नावली समाप्त हुई। धन्यवाद, खुश रहो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, खूब पढ़ो, पूरा जोर के साथ पढ़ो और मन लगा के पढ़ो। धन्यवाद।